हेलो, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? काम कौन करेगा? मैडम, ये लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, वो दिवाली है ना, इसीलिए, और दिवाली के बाद ही आएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें याद है ना हमारी क्या बात हुई थी कि दिवाली से पहले मुझे सारा काम कंप्लीट चाहिए, तो ये क्या ड्रामा चल रहा है कि वो जा रहे हैं दिवाली के लिए? हाँ मैडम, आपकी बात ठीक है, पर आप समझिए ना, दिवाली है, मैं उन्हें कैसे मना करता, इसलिए उन्हें जाना ही था। और रही बात काम की, तो काम मैं संभाल लूंगा, हम तो है ना, काम कर ही लेंगे। अच्छा, तो तुम मुझे कहना चाहते हो कि तुम दोनों मिलके ये सारा काम कंप्लीट कर दोगे, वो भी दिवाली से पहले? देखो, मेरे ना मेहमान आने वाले हैं दिवाली पर, उन्हें क्या दिखाऊंगी अगर ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो? ये सब, ये गंद। हाँ मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको जुबान दे रहा हूँ, आपको सारा काम टाइम से मिल जाएगा, दिवाली से एक दिन पहले, 11 तारीख को। चलो ठीक है, देख लेते हैं, पर एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, दिवाली तक मुझे सारा काम कंप्लीट चाहिए, और अगर गलती से भी कोई काम रह गया ना, तो तुम्हारा एक पैसा भी नहीं दूंगी मैं, याद रखना। ठीक है अर्पित, वो कह रहे हैं ना, वो काम कर देंगे। भैया आप दोनों काम करो, हम आते हैं। जी भैया। चलो अबे भाई, तू पागल है? तूने बोला दिवाली से पहले पूरा काम हो जाएगा, हम दोनों कैसे करेंगे पूरा काम? और मैडम पैसे काटने की बात कर रही है। देख भाई, मुझे नहीं पता, मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए। लाली, तेरी बात समझ रहा हूँ मैं, पर तू फिक्र मत कर, जो तेरे पैसे थे टाइम से मिल जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, तू जा काम कर। ठीक है। और भैया काम सही से चल रहा है? जी भैया सही चल रहा है, और मैडम काम टाइम से हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। ठीक है भैया, आप काम करो। जी चलो प्रीत। हाँ मेरी गुड़िया, कैसी है तू? बहुत बेकार, आपने तो कहा था आप दिवाली में आओगे, पर मम्मी कह रही है आप नहीं आओगे। हाँ बेटा, मम्मी ठीक कह रही है, मैं इस बार दिवाली पे नहीं आ पाऊंगा। वो कहना मुझे बहुत सारा काम मिला हुआ है, और मैंने वादा किया कि सारा काम मैं दिवाली से पहले करके दूंगा, तो इस बार मेरा आना बहुत मुश्किल है, तो आई एम सॉरी बेटा। पापा, वादा तो आपने मुझसे भी किया था कि आप दिवाली पे आओगे और गिफ्ट भी लाओगे। हाँ बेटा, पर तू मेरी बात समझना, मैंने काम उठा लिया है और काम मुझे करना ही पड़ेगा। काम जरूरी है ना, इसीलिए। तो पापा, आपका काम दिवाली से पहले खत्म हो जाएगा, दिवाली तक आ जाना ना। हाँ बेटा, मेरा काम तो एक दिन पहले खत्म हो जाएगा दिवाली से, पर यहाँ से वहाँ ट्रेन में आने में कम से कम मुझे 3 दिन लगेंगे। तो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, वहाँ दिवाली के बाद ही पहुँचूंगा, तो मेरा आना इस बार मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे माफ कर दे इस बार के लिए प्लीज। क्या हुआ अंशु, इस बार भी तेरे पापा दिवाली पर नहीं आएंगे? यार काम तो सारा कर दिया इसने, और वो भी टाइम पे ही, और काफी अच्छा काम कर रहा है। साहब जी, सब काम ठीक से हुआ है ना? बिल्कुल आपके हिसाब से। हाँ, बल्कि काफी बढ़िया हुआ है। मैडम जी, हम तो आपसे वादा किए थे कि सब काम टाइम से करके देंगे,
देखिए सब काम टाइम से हो गया। शशांक भैया ये आपके पैसे। शुक्रिया साहब। ठीक है चलता हूँ। एक सेकंड भैया आपके लिए कुछ और भी है। शशांक ये लीजिए। ये क्या है मैडम जी? ये आपकी फ्लाइट की टिकट है ताकि आप आज ही अपने गांव पहुंच जाएं, ना कि 3 दिन बाद ट्रेन से। फ्लाइट की टिकट मतलब हवाई जहाज से? जी हाँ हवाई जहाज से। मैडम जी पर आपको कैसे मालूम चला कि मुझे जल्दी पहुंचना है घर? वो एक्चुअली हमने आपकी सारी बातें सुन ली थी कॉल पे। हाँ मेरी गुड़िया। अरे हाँ इन्होंने पेंट के लिए भी बोला था ना, एक बार पूछ लेते हैं। मैं इस बार दिवाली पे नहीं आ पाऊँगा और क्या ना मुझे बहुत सारा काम मिला हुआ है और मैंने वादा किया कि सारा काम मैं दिवाली से पहले करके दूँगा, पर यहाँ से वहाँ ट्रेन में आने में कम से कम मुझे 3 दिन लगेंगे। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ वहाँ दिवाली के बाद ही पहुँचूँ, तो मेरा आना इस बार मुमकिन बिल्कुल भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो इस बार के लिए प्लीज़। शशांक ये मेरे से क्या हो गया? वो मेरी वजह से दिवाली नहीं मनाने जा पा रहा। मैंने उसे बोला कि दिवाली से पहले मुझे सारा काम कंप्लीट चाहिए, मैं ये तो भूल ही गई कि दिवाली तो उन लोगों की भी होती है। और तुमने सुना ना उसने भी क्या कहा, उसे ट्रेन से घर जाने में 3 दिन लगेंगे। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इट्स ओके प्लीज, माना कि हमसे गलती हुई है और तुमने चिंता मत कर, इसको सुधारेंगे भी हम ही। तो इसीलिए अब आपने हमारी दिवाली इतनी खूबसूरत मनाई तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि आपकी दिवाली खूबसूरत मनाए। तो ये फ्लाइट की टिकट लीजिए और गांव जाइए और ये दिवाली अपनी बेटी के साथ मनाइए। मैडम जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए और मेरी दिवाली इतनी अच्छी करने के लिए। और हाँ हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।